हे गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। सो होप यू आर डूइंग ग्रेट। और कैसे आप सब? तो मैं यहाँ पर रेडी होने वाली हूँ अपने भाई की वेडिंग के लिए। सो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल, बिकॉज़ मेरे पास प्राइमर नहीं था उस वक्त अवेलेबल, इसलिए मैंने एलोवेरा जेल से ही काम चला लिया। एलोवेरा जेल भी प्राइमर का ही काम करते हुए, इसलिए आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, और यहाँ पर मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम के साथ मैं फाउंडेशन भी मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज़ थोड़ा अच्छा लुक आएगा। वाइटी और फाउंडेशन लुक दोनों ही अच्छा एक मैट कवरेज देगा, इसलिए मैंने दोनों को ही अप्लाई करना सही समझा उस वक्त। सो यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ दोनों को ही। मैं यहाँ पर हाथों से ही अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई भी यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश वगैरह यूज़ करने नहीं मिलेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में थी, इसलिए फटाफट से अपना मेकअप कर रही थी। तो लेकिन मुझे अच्छा मेकअप करना था, इसलिए मैंने हाथों से और ब्यूटी ब्लेंडर दोनों का ही इस्तेमाल किया, और ज़्यादा मैंने किया अपने हाथों का इस्तेमाल। बिकॉज़ अगर आप कैसी जगह पे होते हो जहाँ पर आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो या अवेलेबल नहीं होता, तो आपके हाथों से ही आपको सब कुछ करना पड़ता है। सो या मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, और फिर देन मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, बिकॉज़ आप अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से करोगे तभी आपका मैट फिनिश लुक आएगा। अगर आप अच्छे से स्प्रेड करते हो, अच्छे से डैप डैप करके, जितना अच्छे से आप उसको एक कवरेज दे सकते हो दे देगा वो। सो डोंट फॉरगेट टू नेक, बिकॉज़ नेक तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप फेस पे सिर्फ मेकअप करोगे तो रिलेटेबल नहीं होगा आपके फेस और नेक पे, इसलिए आप अपने नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करें। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अपने ईयर पे भी ज़रूर इस्तेमाल करें, ईयर और नेक को भी बिल्कुल भी ना भूलें फेस के साथ में, इसलिए वो एरिया हमें इतना याद नहीं रहता है। सो या देन इसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से कर लिया है अपने फाउंडेशन को। आप थोड़ा वक्त ले लें और अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, बिकॉज़ आप जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे आपका फाउंडेशन उतना अच्छा मैट लुक देगा। सो देन इसके बाद यहाँ पर मैं NYB का कंसीलर ले रही हूँ। मैंने फाउंडेशन भी NYB का ही लिया था, और मैं यहाँ पर अच्छे से अपने आई लिड पे और अंडर आई पे अच्छे से मैं कवर कर लूँगी। जो भी आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसको ये कवर कर देता है, और यहाँ पे मेरा शेड 5 है। सो यू कैन चेक एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस ब्रांड ऑफ कंसीलर। सो कंसीलर आपके जो भी ओवरऑल पार्ट्स होते हैं जिस पे ज़्यादा डार्कर शेड होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ऐसे मैं नहीं भी करती तो भी चल जाता, बट मैंने किया। और मैंने आई शेडो के लिए किया है, बिकॉज़ मुझे आई शेडो बहुत अच्छा चाहिए था। सो देन इसके बाद यहाँ पर मैं लैक्मे का लैक्मे का फेस पाउडर ले रही हूँ, फेस टचअप। सो फेस का अच्छा कवरेज के लिए आप टचअप ज़रूर यूज़ करें अपने फाउंडेशन के बाद, या लास्ट पे भी कर सकते हो, पहले ही कर लो तो ज़्यादा इजी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और डोंट फॉरगेट टू नेक, जैसे कि मैंने बताया आपको। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेस पाउडर यूज़ कर लिया है। सो देन इसके बाद यहाँ पर मैं आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। सो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पिंक कलर चूज़ कर रही हूँ, और मैं यहाँ डुअल आई शेडो करने वाली हूँ, इसलिए मैं आउटर पे मैं लगाने वाली हूँ ब्राउन कलर। सो मैंने पिक किया है ब्राउन और पिंक। सो पिंक मेरे बहुत कम है ड्रेस में, थोड़ा बहुत रिलेटेबल होगा, और ज़्यादा तो ऐसे ऑरेंज है, बट फिर भी मैंने पिंक चूज़ किया है, बिकॉज़ अगर आप ऑरेंज ड्रेस के साथ ऑरेंज ही कर लोगे तो कितना ऑड लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिंक लिया है, बिकॉज़ मेरे ड्रेस पे कहीं कहीं थोड़े थोड़े पिंक्स हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं। सो देन इसके बाद मैंने इसे चूज़ किया। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनफैक्ट ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर के बाद देन इसके बाद मैं पिंक यूज़ करूँगी अपने इनर कॉर्नर आउटर पे। सो और मैं हाथों से ही हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर ब्रश से करूँगी तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। और फिर मुझे नहीं हुआ तो मैंने ब्रश पिक कर ही लिया, और ब्रश पिक कर ही लिया तो फिर मैंने आई शेडो भी यूज़ कर ही लिया। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा आई शेडो मिला जब मैंने ब्रश पिक किया तो। सो अच्छे से आप भी कर लीजिए, ब्रश से कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए। आपके हाथ अगर ज़्यादा मूवेबल है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ कई जगहों पे हाथ नहीं चलते हैं बिल्कुल भी। मेरे तो लेफ़्ट साइड तरफ बिल्कुल भी नहीं चलते, मुझसे तो आईलाइनर भी लगाया नहीं जाता लेफ़्ट हैंड साइड तरफ। सो यहाँ देन इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ NYB का ही ब्लश, ले रही हूँ अपने चिक्स को ब्लश करने के लिए। तो ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके चिक्स बहुत ज़्यादा ब्लशी लगते हैं। सो यहाँ पर मैं ब्लश ले रही हूँ और अपने चिक्स पे और थोड़े सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज़ थोड़ा रेड सा लुक आना चाहिए, थोड़ा पिंकी सा लुक आना चाहिए, इसलिए मैंने पिंकी सा लिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत चिल्ला भी रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ मेकअप करते करते, क्योंकि बहुत जल्दी है। और वीडियोस को मैंने थोड़ा स्पीड किया है, बिकॉज़ इतना अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो याद है, इसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर मैंने अमेज़न से परचेस किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं ये कौन सा ब्रांड का है, बट ये आईलाइनर बहुत अच्छा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी अवेलेबल होगा। सो यू कैन चेक एंड यू कैन परचेस। और मैंने आईलाइनर लगा लिया है, बहुत ही अच्छा था, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसमें आपको ऐसे पंखे के नीचे ऐसे बैठ के फूकना नहीं पड़ता है, हवा नहीं देना पड़ता है, बहुत ही ईजीली होता है ये चीज़ें। तो सो दैन इसके बाद यहाँ फिर मैं अगेन NYB का हाइलाइटर ले रही हूँ। हाइलाइटर इज़ मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर मेकअप। सो हाइलाइटर को बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें और आप नोज़ पे ज़रूर अप्लाई करें और अपने हाईलाइटिंग वाले एरिया पे ज़रूर अप्लाई करें, चीक्स बोन पे भी अप्लाई करें। सो या मैंने अप्लाई किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। सो देन इसके बाद मेरा मेकअप जस्ट ऑलरेडी डन होने ही वाला है। सो मैंने देखा कि मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ किया ही नहीं, और अगर आप आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करोगे और आपके आईब्रो इधर उधर हो रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा और इरिटेटिंग लगेगा, इसलिए मैंने आईब्रो पेंसिल लास्टली यूज़ किया थोड़ा बहुत। और देन इसके बाद मैंने लिप लाइनर यूज़ किया, और इसके बाद मैं इतनी सुंदर लग रही थी, ओ माई गॉड। So thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.